वो हवा में करेगा हमारी रखवाली, वो जमीन पर रखेगा पूरी नजर, वो हर तरह के दुश्मनों से हर तरह की जमीन पर लोहा लेगा। देश में बना पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो पहाड़ों और जंगलों में मनचाही उड़ान भर सकता है। कंपोजिट फाइबर के बने इसके मजबूत ढांचे पर ना गर्मी का असर होगा और ना सर्दी और ना बरसात का। 250 से ऊपर की रफ्तार से ये जब अपने निशाने पर लपकेगा तो इसके चूकने का अंदेशा नहीं के बराबर होगा। अब भी वायुसेना के पास कुछ लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन इतने भारी कि उनका हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि ये हेलीकॉप्टर काफी हल्का है। इतना आधुनिक कि तकनीक में दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से ले सकता है टक्कर। इंतजार कीजिए, वो आपको मजबूत बनाएगा। वो आ रहा है। हिंदुस्तान है तो विकासशील, लेकिन चुनौतियां विकसित देशों से जरा भी कम नहीं। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत तो हमेशा से रही है, लेकिन कामयाबी अब जाके मिली है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बदौलत भारत उन चुनिंदा मुल्कों की टोली में शामिल हो गया है जो ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाते हैं। लेकिन इसकी खूबियों का बखान थोड़ी देर में, पहले देखिए इसकी पहली पब्लिक उड़ान। या फिर मुठभेड़ की मुश्किल या रफ टेरेन में दुश्मनों के साथ सीधी जंग, इसका कोई जवाब नहीं है। हैरानी नहीं नक्सलियों के खिलाफ चली आगे किसी मुहिम में ये शामिल हो जाए। ये भारत का नया हथियार है, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को उसकी ही मांद में ढूंढ कर मारता है, चाहे वो गुफा में छुपा हो या फिर जंगल में कहीं दुबका हो। दिन रात धूप बरसात इस पर जरा भी असर नहीं डालते। भारत में बना यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर HAL की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पहली बार हमने कोशिश की है टू मेक अ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर and I think it's performed very well in the first demonstration that is done. And by the time we exploit the full potential of this aircraft, I'll be a proud Indian. 5,500 किलो वजनी ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर 270 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी मजबूत बॉडी कंपोजिट फाइबर की बनी है और इसमें लगा इंजन और फैन पहले से ही आजमाए जा चुके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का है। इसमें नीचे उतरने के लिए पहिए लगे हैं ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग में कहीं कोई परेशानी न हो। अपनी इन्हीं खूबियों की बदौलत ये दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की बराबरी करता दिखता है। कुछ हेलीकॉप्टर जो इसके वजन के हैं उनसे तुलना की जा सकती है। ये किसी मामले में भी विदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से कम नहीं है। इंटरनेशनल फील्ड दिस डज नॉट कंपेयर विद द हैवियर थिंग इन इट्स वेट क्लास डेफिनेटली इट कंपेयर्स। इसका इस्तेमाल हर तरह के एंटी टेररिज्म यहाँ तक कि एंटी नक्सल में भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ ये हेलीकॉप्टर खुद को बचाने में भी माहिर है। इलाका चाहे पहाड़ी हो या फिर घने जंगलों से घिरा, चाहे शहरी इलाके हों,
ये हर जगह कारगर साबित होगा। फिलहाल ALH नक्सल विरोधी अभियान में तैनात है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर सरकार को मूल्यांकन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बारे में पूरा फैसला लेना होगा। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का ख्याल तो करगिल जंग के बाद ही आ गया, जब ऐसे हेलीकॉप्टर की कमी महसूस की गई जो करगिल की चोटियों के पीछे दुश्मनों पर हमला कर सके। लेकिन इसका शुरुआती खाका तैयार किया गया 2003 में। 3 साल बाद कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी ने हरी झंडी दी। 1 साल बाद डिजाइन तैयार हुआ और अब ये बनकर तैयार है। प्रोडक्शन शुरू होने के पहले ही वायुसेना ने 64 और थल सेना ने 114 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर दे रखे हैं। हालांकि सेना में शामिल होने में इसे कम से कम 2 साल लग जाएंगे। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, इट्स एन एक्सेलेंट डेवलपमेंट एंड ये बहुत अच्छा बना है। मुझे पूरा यकीन है कि 1-2 साल के अंदर वायुसेना की ये सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। दी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स मेक आउट टू मी, इट्स एन एक्सेलेंट हेलीकॉप्टर। वैसे तो वायुसेना के पास पहले से भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन करीब 12,000 किलो का वजन कम नहीं होता, बल्कि भारी भरकम होता है, जो हर जगह उड़ान नहीं भर सकते। ये तकनीक के मामले में भी काफी पीछे हैं, साथ ही इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन नई पीढ़ी के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर न सिर्फ करीब 20% सस्ता है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी अव्वल नंबर है। Yes, of course. हाँ जरूर, इसके बाद हमें बेवजह दुनिया के हथियार बाजार में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तो ये देश में ही बन रहा है। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर आसानी से बच निकलते हैं। अगर आसमान में ऐसा काला फौलादी पंछी दिखे तो पक्का समझिए दुश्मन की खैर नहीं। ये न केवल दुश्मन को बर्बाद कर देगा, बल्कि उनके किसी भी हमले से अपने आप को पूरी तरह बचा लेगा। इलाके में घुसकर मार करने वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर कम ही देश बनाते हैं। भारत से पहले अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस ऐसे हेलीकॉप्टर बनाते थे। अब जरा इन सब को भी देख लीजिए। दिखने में बेहद खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक ये है अपाचे हेलीकॉप्टर। दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टरों में शुमार इस हेलीकॉप्टर का कोई जवाब नहीं है। ये करीब 16 साल पुराना है, पर तकनीकी तौर पर अव्वल है। रात हो या दिन या फिर किसी भी तरह का मौसम, जब ये हमला करने की ठान लेता है तो इसे रोक पाना लगभग असंभव है। बात चाहे इराक युद्ध की हो या फिर अफगानिस्तान की, इसकी बदौलत ही अमेरिकी सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। इसमें लगे रडार इतने ताकतवर हैं कि दुश्मन की हर हरकत को तुरंत पकड़ लेते हैं। करीब 50 फीट लंबा ये हेलीकॉप्टर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। फिलहाल अमेरिकी कंपनी बोइंग इसे इंडियन एयरफोर्स को भी बेचने की फिराक में है। दरअसल इस हेलीकॉप्टर में आधुनिक जरूरत भी बेचने की फिराक में है। दरअसल इस हेलीकॉप्टर में आधुनिक जरूरत का सब कुछ है।
हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, आधुनिक राडार और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, साथ में ऐसा मिसाइल है जिसमें फायर करने के बाद आप भूल जाइए, क्योंकि वो अपना लक्ष्य खोजकर बर्बाद कर देगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे और लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उनके कारनामों के बारे में। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।